नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक वीडियो जिसमें कि शाहरुख खान का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते वक्त ये मास्क हटा करके थूक रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा, कई जगह सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वही गैंग है जो हर बात पर हिंदू धर्म को आईना दिखाने का काम करती है। और इनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते हो या फिर कलावा बांधते हो या फिर तिलक लगाते हो, ये सब पिछड़ापन है, ये आधुनिकता नहीं है, दुनिया आगे चली गई है। यदि आप भगवान की पूजा करते हो और वहां पर जाकर के आप जल चढ़ाते हो, उस पर भी ये विवाद कर देते हैं और इसको कहते हैं कि आप किसी गरीब को दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। ये वो खान गैंग है जो फिल्में बनाता है बॉलीवुड में, लेकिन इनकी जो फिल्में होती हैं जब तक ये हिंदू धर्म को टारगेट नहीं करते हैं तो इनका जो मिशन है ये पूरा नहीं होता है। और वही व्यक्ति जो इतने बड़े नाम और ब्रांड के साथ जी रहा है और वो खुले तौर पर थूक रहा है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि वो आपको और आपके धर्म को टारगेट करने का काम करेंगे। फिल्में कोई फिल्म नहीं है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो फिल्में बनती हैं इसका मेन मकसद ही एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो फिल्में बनती हैं बॉलीवुड वालों की, इनका मनोरंजन नहीं बल्कि आप ये कह लीजिए इसमें जिहाद का भी एक अंश होता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति खुद इतने बड़े नाम के साथ जी रहा है और वो खुद अपने उस काम को करने से नहीं चूक रहा है और वो आपको हर बात पर ये कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, आप वैसा मत कीजिए, आप मंदिर मत जाइए, ये मूर्खता है, ये आधुनिकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने ही थूके गए थूक पर मौन है। वो ये नहीं बता रहा कि ये थूकना कौन सी आधुनिकता है। जरा आप सोचिए, आप मुझे बताइए कि क्या थूकना भी कोई आधुनिकता होती है क्या? आप कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो नहीं होता है, तो जब सोचिए कि जो आपको ज्ञान देते हैं हर बात पर आपको मॉडर्निटी की बात करते हैं, अगर यही रिचुअल्स हिंदू धर्म में होता तो ये फिर आपको कितना क्रिटिसाइज करते, थूकना गंदगी है, थूकना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो व्यक्ति खुद खुले में सभी के सामने थूक रहा है। तो दरअसल इसका जो मेन मकसद क्या है बॉलीवुड का, ये कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिहाद के रास्ते जी रहे हैं। इनका जो फिल्म जिहाद है, आपने देखा होगा कई बार जी न्यूज को इनको क्रिटिसाइज करते हुए, ये कोई फिल्म नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म जिहाद है, संगीत जिहाद है। और जी न्यूज के ऐसा कहने पर ये बिलबिला जाते हैं। सच्चाई सुनने की इनके पास हिम्मत है नहीं तो ये और कर क्या सकते हैं। जो हर बात पर हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो क्या आप इनसे पूछिए कि क्या कहीं पर भी थूकना चाहिए? थूकना कौन सा अध्यात्म है, कौन सी आधुनिकता है, ये आपको नहीं बताएंगे। मैं बस आपसे कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म कोई फिल्म नहीं है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। इनके द्वारा बनाई गई फिल्में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को प्रमोट करना है, हिंदुत्व को नीचे दबाना है, यही इनका मिशन है और यही इनका मकसद है। आप देखिए कि जितनी भी फिल्में बनती हैं जिसमें ये खान गैंग का पैसा होता है या इसमें वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से, वहां पर हिंदू धर्म को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ देखो तो जो साउथ की फिल्में हैं जहां पर हिंदू धर्म को सम्मान दिया जाता है और साथ ही साथ उसके अध्यात्म को सम्मानित किया जाता है, एक ग्रुप वो भी है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो गैंग है, ये जो लोग हैं, ये आपको धर्म को गाली तो देंगे, आपकी अच्छाइयों पर भी ये बुराइयां बताएंगे, लेकिन अपनी ही गंदगी को, अपने ही थूक को पवित्रता के मॉडल से जोड़ देते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद आपको सचेत और समझदार होने की जरूरत है, कौन से लोग आपके लिए हितकारी हैं, कौन से लोग वाकई फिल्म बना रहे हैं और कौन से लोग उसमें सिर्फ और सिर्फ एक जिहाद का हिस्सा है। तो ये लोग जो हैं, ये फिल्म नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन भी नहीं है। और आप ये कह लीजिए कि इनका एक जो मकसद होता है वो हिंदू धर्म को टारगेट करना और बदनाम करना होता है, और इससे ज्यादा इनके पास कोई कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर ये इतने ही आधुनिक होते, इतनी आधुनिकता की बात करने वाले होते तो ये खुले में हर जगह थूकते नहीं। हिंदू और हिंदू धर्म को फॉलो करने वालों को हमेशा मूर्खता की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहे और
ये जो लोग हैं इनका बहिष्कार करें, ये कोई भी हिंदू धर्म को ज्ञान नहीं देते हैं, ये हिंदू धर्म को अपमानित करके ही इनकी फिल्मों का पूरा अंश जो है वो पूरा होता है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो कीजिए शेयर और चैनल कीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।